देखिए पसंद नापसंद तो शुरू से ही चली आ रही है, ये कोई नई चीज़ तो नहीं है किसी भी क्रिकेटर के लिए, और मेरा नहीं ख्याल किसी भी क्रिकेटर को इस चीज़ को लेकर ज़्यादा ज़्यादा परेशान होना चाहिए। आई थिंक अपनी मेहनत पे यकीन करना चाहिए और रिजल्ट जो है वो अल्लाह ने देना होता है। कोई भी लाइकिंग या डिसलाइकिंग में किसी भी बच्चे को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकेगा। जहाँ तक रहेगी बात की हुकूमत में रह के चीज़ें, देखें बात यह कि हुकूमत जो है वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। प्रॉबली आई बिलीव के ये हम सबको मिलके करना ही, हम सबकी एक इंडिविजुअल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मुल्क की बात आती है तो आई थिंक ये हुकूमतें ये चीज़ें काउंट नहीं करती, एंड आई थिंक हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बेहतर करें। हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ये एक इदारा DHA ये भी हमारे साथ मिलके ऑन बोर्ड आए हमारे साथ, प्रॉबली दे हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड। और ऑब्वियसली देखिए जब कोई बंदा काम करता है तो उसका काम नज़र आना चाहिए, एंड जिस तरह की फैसिलिटीज़ DHA ने यहाँ पर प्रोवाइड की हुई, मुझे लगता है कि ऐसी फैसिलिटीज़ अगर आप ओवरऑल DHA के बाहर देंगे तो आपको उस तरीके से मिलती नहीं है। सो आई थिंक यू नीड पीपल टू कम अप टू यू, जिनके साथ आप पार्टनरशिप्स करें, जिनके साथ आप प्राइवेटाइजेशन में जाएँ। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चों का फ़ायदा है। हम लोगों ने क्रिकेट खेली है, हम थोड़ी और हमारा जितने में जितनी क्रिकेट रह गई है वो खेलेंगे, लेकिन इट्स टाइम कि अब हम अपने जो ग्रास रूट लेवल पे बच्चे हैं, जिस तरीके से भी आप देख रहे हैं अंडर 16 टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पे, एक रमदान कप हुआ था, अंडर 16 टूर्नामेंट हो रहा है। सो यू नो इस तरह के लोग हमें चाहिए जो आगे आए, जो सिर्फ क्या कहते हैं क्रिकेट को प्रमोट करें और बाकी खेलों को प्रमोट करें। तो ये हर एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ही चीज़ें बनेंगी। आई थिंक ये स्टार्टअप है, आई होप के अब जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे क्रिकेट को टेक ओवर किया, आई थिंक के कर्नल साहब और सलमान जो सर से बात करके यहाँ पे फुटबॉल और बाकी जो गेम्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड करें, ताकि ये पूरा एक इंस्टीट्यूट, एक पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरा क्रिएट हो बच्चों के वेलफेयर के लिए। अब जो है वो चूंकि देख रहे हैं कि आने वाली लॉ जो है वो जूनियर्स को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, यंग टैलेंट को प्रमोट किया जाएगा क्रिकेट में। जो आप पूरी सेटअप में इलेक्शन जब आएंगे, MP का इलेक्शन लड़ने का इरादा है कि आगे वजीर बनने का, दोबारा वजीर बने और दोबारा खेलों को प्रमोट करने का? यार मेरा कोई इरादा नहीं इलेक्शन लड़ने का मेरा कोई नहीं, मैंने पहले कहा था कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई डोंट माइंड सीइंग कि अगर इस अपॉर्चुनिटी में इफ़ आई कैन फिल इन तो मैं वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर ग्रैब करता हूँ, बट इट ऑल डिपेंड्स कि जी अपॉर्चुनिटी क्या आती है क्या नहीं आती। फिलहाल MPA का इलेक्शन, MNA का इलेक्शन लड़ने का मेरा कोई ज़हन नहीं है। जी ऑब्वियसली उनका सेम एक्सटेंसिव प्रोग्राम है, तमाम एज ग्रुप से मैचेस हैं, टूर्नामेंट्स हैं। देखिए जी इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपोजर, आप सारा साल प्रैक्टिस करते रहे, आप मैच ना खेलें तो दैट्स ऑफ नो यूज़। मैच वो जगह है जहाँ से आपके रिजल्ट्स के ऊपर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और फिर आप अपनी फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए प्रैक्टिस में उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। सो बिल्कुल एक कॉम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम होगा। एग्जैक्टली जो यहाँ पे लड़कों को दिया जा रहा है बेसिकली वो कागज़ों पे तो सारी चीज़ें मौजूद है ना, तो वही चीज़ें जो हैं वो हमारी वुमेंस के लिए भी दी जाएंगी और फिर उनका मैदान है वो खेलें और करें परफॉर्म और अल्लाह उन्हें इज्जत दे। देखिए मैंने आपको यहाँ पे हाथ रखा, मैं गया इस तो पहले कि शेख साहब कुछ कहें मैं इससे आपको बता दूँ, ये ना थोड़ी समझने की बात है। जब आप बात करते हैं ना रेड एंड वाइट बॉल की, द बेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट। अगर आप उसमें एक्सपर्ट है ना तो छोटे छोटे जितने फॉर्मेट हैं आपको कोई मसला नहीं करेंगे, लेकिन द डे आप बड़े को छोड़ के सिर्फ छोटे में चले जाएंगे ना तो आप स्किल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, योर एबिलिटी टू थिंक फॉर लॉन्गर कॉम्प्रोमाइज़ होगी, कंसंट्रेशन फोकस मेरा मतलब है कहने का। तो जो लोग अपनी बड़ी क्रिकेट का ख्याल रखते हैं उनकी सारी क्रिकेट बाद रहेगी, और जो लोग सिर्फ छोटी में जा रहे हैं तो मिसाल आपके सामने वेस्ट इंडीज़ ने 2 T20 के वर्ल्ड कप जीते लेकिन वो क्रिकेटिंग मैप पे कहीं नहीं उस तरह से, अब बल्कि क्वालिफाइंग राउंड्स में आ गए। सो हमें अपनी प्रायोरिटीज़ में बड़ी क्रिकेट को शामिल करना है अपनी छोटी को भी बचाने के लिए, ये लाइफ लाइन है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। देखे तो नजर आती है, बात यह है कि भाई वो ठीक कह रहे हैं लोग कि ऐसा हो रहा है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको जिस फॉर्मेट का प्लेयर चाहिए आप उस फॉर्मेट के डोमेस्टिक इवेंट से परफॉर्मर्स को उठाएं, इट्स सिंपल एज दैट। अगर हमें
T10 का प्लेयर उठा के उसे एक्सपेक्ट करें कि वो टेस्ट में ओपन करे, तो ये उसके लिए भी प्रॉब्लम है और रखने वाले की भी कॉम्पिटेंस पे बात हो सकती है इसके ऊपर। लेकिन आपके पास तमाम फॉर्मेट्स की डोमेस्टिक क्रिकेट मौजूद है, जो जहाँ परफॉर्म कर रहा है उसका वहाँ पर मौका दे। भाई IPL हो या दुनिया की कोई भी लीग हो, उसमें 7 लोकल प्लेयर खेलते हैं, 4 सिर्फ प्रोफेशनल होते हैं, तो वहाँ पूरी टीम प्रोफेशनल होती है, वहाँ पे डिमांड्स और हैं। और ये टेस्ट क्रिकेट है तो इसमें एडजस्टमेंट में भी टाइम लगता है। जब आप इतना लंबा एक छोटा इवेंट खेल के बड़े में एकदम जाते हैं, बिल्कुल इंग्लैंड डिफरेंट कंडीशन में, ड्यूक का बॉल। बहरहाल ये आज उसके लिए ये स्टेज नहीं है टू गेट इन टू दिस काइंड ऑफ डिटेल्स। आई थिंक लेट्स स्टिक टू द वुमेंस पार्ट। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज़ है और लेट्स अप्रिशिएट DHA एंड पीपल जो इसमें जिन्होंने हमारी हेल्प की है। ये वाली बातें तो आप और मैं और वो आप तो करते ही रहते हैं, ये वाली फिर कभी से। देखिए, पसंद नापसंद तो शुरू से ही चली आ रही है, ये कोई नई चीज़ तो नहीं है किसी भी क्रिकेटर के लिए, और मेरा नहीं ख्याल किसी भी क्रिकेटर को इस चीज़ को लेकर ज़्यादा ज़्यादा परेशान होना चाहिए। आई थिंक अपनी मेहनत पे यकीन करना चाहिए और रिजल्ट जो है वो अल्लाह ने देना होता है। कोई भी लाइकिंग या डिसलाइकिंग में किसी भी बच्चे को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकेगा। जहाँ तक रहेगी बात के हुकूमत में रह के चीज़ें, देखें बात यह कि हुकूमत जो है वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। प्रॉबली आई बिलीव कि ये हम सबको मिल के करना ही, हम सबकी एक इंडिविजुअल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मुल्क की बात आती है तो आई थिंक ये हुकूमतें ये चीज़ें काउंट नहीं करती। एंड आई थिंक हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम कोशिश करें कि चीज़ों को बेहतर करें, हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ये एक इदारा DHA ये भी हमारे साथ मिलके ऑन बोर्ड आए हमारे साथ। प्रॉबली दे हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, और ऑब्वियसली देखिए जब कोई बंदा काम करता है तो उसका काम नज़र आना चाहिए। एंड जिस तरह की फैसिलिटीज़ DHA ने यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, मुझे लगता है कि ऐसी फैसिलिटीज़ अगर आप ओवरऑल DHA के बाहर देंगे तो वो आपको उस तरीके से मिलती नहीं है। सो आई थिंक यू नीड पीपल टू कम अप टू यू, जिनके साथ आप पार्टनरशिप्स करें, जिनके साथ आप प्राइवेटाइजेशन में जाएँ। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चों का फ़ायदा है। हम लोगों ने क्रिकेट खेली है, हम थोड़ी और हमारा जितने में जितनी क्रिकेट रह गई है वो खेलेंगे, लेकिन इट्स टाइम कि अब हम अपने जो ग्रास रूट लेवल पे बच्चे हैं, जिस तरीके से भी आप देख रहे हैं Under-16 टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पे, एक रमदान कप हुआ था, Under-16 टूर्नामेंट हो रहा है। सो यू नो इस तरह के लोग हमें चाहिए जो आगे आएँ, जो सिर्फ क्या कहते हैं क्रिकेट को प्रमोट करें और बाकी खेलों को प्रमोट करें। तो ये हर एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ही चीज़ें बनेंगी। आई थिंक ये स्टार्टअप है, आई होप के अब जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे क्रिकेट को टेक ओवर किया, आई थिंक कर्नल साहब और सलमान जो सर से बात करके यहाँ पे फुटबॉल और बाकी जो गेम्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड करें, ताकि ये पूरा एक इंस्टीट्यूट, एक पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरा क्रिएट हो बच्चों के वेलफेयर के लिए।